नमस्कार, मैं सत्यम कीर्ति, सीरियल एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच और राइटर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कपड़े का बिजनेस, देखिए कपड़े का बिजनेस को मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि ये एक एवर ग्रीन बिजनेस है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि भारत में कपड़े का सबसे शानदार मार्केट कहाँ पे है, और अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो कितना इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा और क्या इसमें प्रॉफिट रहेगी। सो पूरे वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। कपड़े की बात की जाए तो इसमें गुजरात का सूरत शहर नंबर वन पे आता है। भारत में कपड़े का एक्सपोर्ट भी सूरत से बहुत ही ज़्यादा होता है। आइए मैं आपको अजमेरा फैशंस की फैक्ट्री विजिट कराता हूँ, उनके होलसेल स्टोर में आपको विजिट कराता हूँ और पूरी डिटेल में दिखाता हूँ कि किस रेंज के कपड़े उनके पास हैं और आप इस बिज़नेस को कैसे जुड़ के शुरू कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से। हम लोग क्या क्या अजमेरा फैशन क्या क्या प्रोडक्ट्स में डील करती है, किस टाइप के प्रोडक्ट में डील करती है, क्या कॉन्सेप्ट हम लोग बनाते हैं, किस टाइप से हमने पूरे डिपार्टमेंट बना रखे हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, कवर करने वाले हैं। मैं सारी प्रोसेस बताऊँगा कैसे आप लोग माल ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने के बाद आपका माल कैसे डिस्पैच डिपार्टमेंट में जाता है, कैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाता है, फिर वहाँ से कैसे पैकिंग होके ट्रांसपोर्टेशन तक जाता है, तो वो सारी प्रोसेस आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो दोस्तों चलते हैं, मैं आपको एक एक प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे क्या होती है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं पूरा यहाँ पे कैश डिपार्टमेंट बना हुआ है, जो भी कस्टमर आते हैं यहाँ पे पेमेंट वगैरह का पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद ये पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट यहाँ पे बना हुआ है, अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी होता है सारे यहीं पे प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद दोस्तों फर्स्टली अपन डिपार्टमेंट में चलते हैं, उसके बाद पैकिंग डिपार्टमेंट भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं पूरा वेटिंग एरिया बना हुआ है, जो बाहर से कस्टमर वगैरह आते हैं पूरा यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव है जो कि जो बाहर से कस्टमर आ रहे हैं उनका पूरा गाइड करते हैं, उनको पूरी हर एक चीज़ के बारे में समझाते हैं कैसे क्या प्रोडक्ट हमारे यहाँ मिलेंगे, किस टाइप से उनको बिजनेस स्टार्ट करना है। आइए दोस्तों और डिपार्टमेंट की ओर चलते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी कस्टमर माल सेलेक्ट करता है वो टोटली यहाँ पे रखा जाता है, उसका ऑर्डर नंबर, उसका काउंटर नंबर यहाँ एक स्लिप लगा के पूरा एक साइड रख दिया जाता है, जिससे कि माल मिक्स नहीं हो, जो कस्टमर ने सेलेक्ट किया है वही माल जा पाए। जैसे आप देख पा रहे हैं किसी कस्टमर का सेलेक्ट किया हुआ है तो ये उनका ऑर्डर नंबर लगा हुआ है, जिससे कि पूरा माल सेपरेट रहता है और यही माल उनको जाएगा जो माल उन्होंने सेलेक्ट किया है। अभी हम लोग डिपार्टमेंट की ओर चलते हैं, जो कि रेगुलर वियर साड़ी का डिपार्टमेंट है, जहाँ से पूरी रेंज स्टार्ट होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा रेगुलर वेयर साड़ी का डिपार्टमेंट बना हुआ है, सिंथेटिक साड़ी का डिपार्टमेंट बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ अवेलेबल है, सिफोन, जॉर्जेट, रेनियल, दानी, कैटलॉग वगैरह की रेंज भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। इस टाइप से ये पूरी रेंज यहाँ पे लगी हुई है। पूरा जैसे लो रेंज में क्वालिटी जो आती है दानी, रेनियल, उनके इस टाइप से बंडल आते हैं, 10 पीस 12 पीस के पूरे बंडल आते हैं इस टाइप से, जिनमें अलग अलग डिज़ाइनें आपको मिलती है। कुछ जो अच्छी क्वालिटी की रेंज है वो इस टाइप से पैकिंग होके आती है, 4 पीस की पैकिंग आती है, पाउच में पूरा पैक होके आता है। और जो कुछ चीज़ें पोस्टर रेंज भी है रेगुलर साड़ी में, इस टाइप से पूरा पोस्टर रेंज भी आता है, जिनमें अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग फैब्रिक आपको मिलेंगे देखने के लिए। ये देखें कि पूरा 12 पीस का कैटलॉग है, जैसे आप देख पा रहे हैं पूरी डिफरेंट डिज़ाइन है, कॉन्सेप्ट के साथ ये चीज़ें अवेलेबल है। पूरा पाउच पैकिंग हो गया, एकदम व्यवस्थित पैकिंग हो के साथ आपको मिलेगा। ये रेगुलर वेयर साड़ी का डिपार्टमेंट हो गया। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट देख रहे हैं दोस्तों, ये 3 डिपार्टमेंट कैटलॉग साड़ी की रेंज के बने हुए हैं, जिसमें टोटली कैटलॉग प्रिंटेड साड़ियाँ रखी हुई है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, 8 पीस का मैचिंग, 10 पीस का मैचिंग, अलग अलग कैटलॉग, अलग अलग क्वालिटी, बहुत सारी वैरायटी जो भी सिंथेटिक साड़ी में बनती है वो सारी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल मिलेगी। इस टाइप से कैटलॉग रेंज मिलेगी, पोस्टर रेंज मिलेगी, जैसे आप देख पा रहे हैं अलग अलग। इसमें भी दोस्तों 3 सेगमेंट किए हुए हैं, लो रेंज, मीडियम रेंज और हाई रेंज। अब ये नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, उसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ है। सो जैसे आप देख पा रहे हैं टोटली कैटलॉग का ही डिपार्टमेंट बना हुआ है, जैसे अब फैंसी कैटलॉग की रेंज के डिपार्टमेंट में आ गए हैं हम लोग।
मेरे यहाँ जो भी देख रहे हैं दोस्तों, ये सब कैटलॉग रेंज जो आपको पाउच पैक होके मिलेगा, ईच एंड एवरी कैटलॉग आपको पाउच के साथ मिलेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं ये पूरा कैटलॉग रेंज है, 10 पीस का कैटलॉग है, जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा एकदम पाउच के साथ पैक होके मिलेगा, व्यवस्थित आपको कैटलॉग पैक होके जाएगा। ईच एंड एवरी कैटलॉग फैंसी साड़ीज, इसमें जैसे मैंने बताया बांधनी साड़ीज, रेगुलर वियर साड़ीज, पार्टी वियर साड़ीज, टोटली कॉन्सेप्ट आपको यहाँ मिलेंगे। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं दोस्तों, प्योर कॉटन साड़ी का पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है यहाँ पे, प्योर कॉटन की साड़ियाँ रखी हुई है जिसमें वेरिएशंस के अकॉर्डिंग पूरा माल रखा हुआ है, रेंज रखी हुई है। सर बाहर से आए हैं, पूरा कलेक्शन देख रहे हैं। नमस्ते सर, कहाँ से आए हैं सर आप? बिहार से। बहुत बढ़िया, तो बिहार से जैसे भैया आए हुए हैं, कलेक्शन देख रहे हैं, हमारे यहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव हर एक चीज़ के बारे में गाइड करेगा, जो बाहर से कस्टमर आ रहे हैं उनको किस टाइप का प्रोडक्ट है, क्या रेंज में प्रोडक्ट अवेलेबल है, किस टाइप से उनको सेल आउट करना है, तो इस टाइप से पूरी ये कॉटन, प्योर कॉटन की रेंज लगी हुई है। सो दोस्तों, नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट मैं आपको लेके चल रहा हूँ, पूरा सिल्क का डिपार्टमेंट बना हुआ है, जिसे आप देख पा रहे हैं सिल्क की साड़ियाँ हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ, यहाँ भी वेरिएशन में कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। पूरा आपको पैकिंग के साथ ये प्रोडक्ट जाएगा, पाउच पैकिंग होके जाएगा। ईच एंड एवरी साड़ी में आपको फ़ोटो मिलेगी, साथ में कैटलॉग मिलेगा। तो इस टाइप से सिल्क साड़ी में भी बहुत सारा वेरिएशंस है, बहुत सारा कलेक्शन अवेलेबल है, लो रेंज, हाई रेंज, मीडियम रेंज। उसके बाद में दोस्तों कॉटन का सेगमेंट आता है, जो कि मैचिंग का सेगमेंट है, जिसमें बहुत सारा कलेक्शन है दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा कॉटन साड़ीज का कलेक्शन लगा हुआ है, 4 कलर की मैचिंग में, 6 कलर की मैचिंग में, जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों। मेरे यहाँ ईच एंड एवरी साड़ी में आपको फ़ोटो मिलेगी, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, और एकदम व्यवस्थित पैकिंग के साथ आपको प्रोडक्ट मिलेगा। प्योर कॉटन की साड़ियाँ हैं यहाँ टोटली जो है अवेलेबल है, वो 4 मैचिंग की कॉन्सेप्ट में अवेलेबल है। डिजिटल प्रिंट हो गए, रेगुलर प्रिंट हो गए, बांधनी प्रिंट हो गए, उस टाइप से बहुत सारा कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट में चलते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट पूरा लहंगे का बना हुआ है, यहाँ लहंगे कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। लहंगे में भी गर्लिस लहंगे हो गए, ब्राइडल लहंगे हो गए, दुल्हन के लहंगे हो गए, वो सारा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ देखने में मिलेगा। मेरे यहाँ की पैकिंग जो देख रहे हैं दोस्तों, ईच एंड एवरी लहंगा आपको पाउच में पैक होके जाएगा, पाउच की क्वालिटी है, सुपीरियर क्वालिटी पाउच की पैकिंग आपको मिलेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरा लहंगे का कलेक्शन लगा हुआ है यहाँ पे, तो जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा लहंगे का डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद हम लोग डाइड फैंसी साड़ीज़ का जो कलेक्शन होता है, फैंसी साड़ीज़ का डिपार्टमेंट जो बना हुआ है, उस डिपार्टमेंट में चलते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा फैंसी साड़ीज़ का काउंटर बना हुआ है, पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है, इसमें फैंसी साड़ीज़ का कलेक्शन मिलेगा। फैंसी साड़ीज़ की जैसे मैंने बताया रेंज स्टार्ट होती है 600 रुपये से स्टार्ट होके 3000 रुपये तक की साड़ी की रेंज अवेलेबल है, जिसमें कैटलॉग भी आ गए, रेगुलर वियर साड़ी भी आ गई, पार्टी वियर भी साड़ी आ गई, और टोटली पाउच पैक होके जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं ईच एंड एवरी प्रोडक्ट पूरा पाउच पैकिंग के साथ अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट बना हुआ है दोस्तों, ये डाइड पे जो एडिशनल वर्क होता है, एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, पूरा उसका डिपार्टमेंट बना हुआ है। इसकी अगर रेंज की बात करूँ तो 150 रुपये से स्टार्ट हो गए, 600 रुपये तक की रेंज इस डिपार्टमेंट में अवेलेबल होती है, जो कि रेगुलर डाइड वेयर की साड़ियाँ होती है, वो सारी रेंज यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट बना हुआ है दोस्तों, पूरा गाउन का डिपार्टमेंट बना हुआ है, फैंसी गाउन, गर्लिस गाउन, स्टाइलिश गाउन, वो सारा डिपार्टमेंट यहाँ बना हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये सैंपल लगे हुए हैं सारे गाउन्स के, अटली वर्क का किया हुआ गाउन या फैंसी गाउन, नेट पे या बेबी डॉल्स टाइप के गाउन, जैसे आप देख पा रहे हैं डमी पे गाउन लगा हुआ है, इस टाइप के आपको गाउन्स में बहुत सारी वेराइटी मिलेगी दोस्तों देखने के लिए। और मेरे यहाँ जो गाउन्स की पैकिंग जा रही है दोस्तों, इस टाइप से पूरा गाउन पैक होके जाता है पाउच के साथ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बैग इसमें देते हैं हम लोग, जिससे क्या कंज्यूमर लेवल तक ये पहुँचता है, तो उनके ये यूज आता है ये चीज़। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट में चल रहे हैं दोस्तों, वो सूट का डिपार्टमेंट है, ड्रेस मटेरियल का डिपार्टमेंट है। ये जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा सूट का डिपार्टमेंट बना हुआ है, ड्रेस मटेरियल के कॉन्सेप्ट यहाँ रहते हैं, कॉटन पे हो गए, रेयन फैब्रिक पे हो गए, लिनन पे हो गए, उस टाइप से पूरे सूट में भी आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव रहते हैं, जो कि आपको हर एक चीज़ के बारे में गाइड करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ कस्टमर प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, हर एक चीज़ आपको रेंज मिलेगी, बांधनी के मैचिंग हो गई, 4 कलर मैचिंग हो गया, या फिर कैटलॉग की रेंज हो गई, सारे कॉन्सेप्ट आपको सूट ड्रेस मटेरियल में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट में चल रहे हैं दोस्तों, ये पूरा कुर्ती का डिपार्टमेंट बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी रेगुलर बेसिस पे आती रहती है, अपडेट होती रहती है, नए डिज़ाइंस कॉन्सेप्ट आते रहते हैं यहाँ पे। जैसे आप देख पा रहे हैं
रेयन फैब्रिक पे, लिनन फैब्रिक पे, मसलिन फैब्रिक पे, कॉटन फैब्रिक पे बहुत सारी वैरायटी आती रहती है, कैटलॉग की रेंज आती है, फोर कलर मैचिंग में रेंज आती रहती है। इस टाइप से ईच एंड एवरी पीस के साथ आपको फ़ोटो मिलेगा, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि किस टाइप का ये प्रोडक्ट है। और हमारे एग्जीक्यूटिव आपको हर चीज़ के बारे में गाइड करेंगे, किस टाइप का ये फैब्रिक है, क्या इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, किस टाइप का वर्क किया हुआ है। पूरा आप जैसे पैकिंग देखेंगे, कैटलॉग की भी पैकिंग एकदम सुपीरियर क्वालिटी की पैकिंग जा रही है, पूरा बैग पैक होके इस टाइप से कैटलॉग की पैकिंग जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट डिपार्टमेंट में चलते हैं। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट बना हुआ है, नाइटी का डिपार्टमेंट बना हुआ है। यहाँ पे पूरा नाइटी का कलेक्शन रहता है, जिसमें कॉटन फैब्रिक हो गया, हॉजरी फैब्रिक हो गया, इस टाइप से नाइटी में भी बहुत सारी वेराइटीज़ अवेलेबल रहती है। जैसे आप देख पा रहे हैं अलग अलग प्रिंट रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं, डार्क मैचिंग, लाइट मैचिंग, वाइट बेस पे, चीकू बेस पे बहुत सारा कलेक्शन आता रहता है रेगुलर बेसिस पे। पेयर में जो नाइटियाँ चलती हैं, नाइट सूट जिसको बोलते हैं, ऊपर की टी शर्ट हो गई, पायजामा हो गया, वो सारे कॉन्सेप्ट भी हमारे यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट, पूरा बॉटम्स का डिपार्टमेंट बना हुआ है, जिसमें बहुत सारी वेराइटीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेगिंग्स हो गया, जेगिंग्स हो गया, प्लाजो हो गया, ट्राउज़र हो गया, जोगर्स हो गए, उस टाइप से बहुत सारी प्रिंटेड प्लाजो हो गए, प्रिंटेड लेगिंग्स हो गई, वो सब वेराइटी भी आपको, स्कर्ट वगैरह हो गए, वो सब वेराइटी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत सारी साइज़ अवेलेबल रहती है, कलर वेरिएशंस अवेलेबल रहते हैं, सारे कलर जो रेगुलर बेसिस पे चलते हैं वो सब अवेलेबल रहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट बना हुआ, पूरा अंडर गारमेंट्स का डिपार्टमेंट बना हुआ है, इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ आपको देखने को मिलेगी। पेयर्स में मिलेगा, सिंगल पीसेस में जो कॉन्सेप्ट अवेलेबल है वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। सो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में चलते हैं, जहाँ पर आपको पेटीकोट ब्लाउज की रेंज काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। रेगुलर बेसिस पे ब्लाउज, रेडी ब्लाउज वगैरह आते रहते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट डिपार्टमेंट, जैसे मैंने बताया, जहाँ पे रेडी स्टिच ब्लाउज मिलते हैं, ब्लाउज पीसेज मिलते हैं, फॉल हो गया, पेटीकोट हो गए, ब्लाउज हो गए, इस टाइप से बहुत सारी क्वालिटीज़ में अवेलेबल रहता है। ये देखिए जैसे पेटीकोट है, इसमें भी 10 कलर 12 कलर्स अवेलेबल रहते हैं, इस टाइप से पूरा बंच मिलता है। फिर यहाँ जो रेडी ब्लाउज आते हैं, फैंसी स्टिच ब्लाउज आते हैं, वो सारी क्वालिटी भी आपको यहाँ देखने में मिलेगी। स्ट्रेचेबल ब्लाउज आते हैं लाइक्रा बेस पे, वो सब भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो है दोस्तों, किड्स वियर का डिपार्टमेंट बना हुआ है, वहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स टोटली किड्स के आपको आइटम्स देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पूरा किड्स वियर का कलेक्शन लगा हुआ है, जिसमें टी शर्ट, जीन्स, टॉप वगैरह, स्कर्ट वगैरह, इस टाइप से कॉन्सेप्ट आपको किड्स वियर को देखने को मिलेंगे। ये पूरा किड्स वियर का ही पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं टोटली किड्स वियर की रेंज लगी हुई है। दोस्तों किसी कस्टमर ने जैसे माल निकाला है, तो पूरा उसका माल साइड करके हम लोग रख देते हैं, जिससे कि क्या माल मिक्स नहीं हो, दूसरे कस्टमर को नहीं जावे, तो इस टाइप से पूरा माल अलग करके रख देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट बना हुआ है, ये पूरा बिलिंग का डिपार्टमेंट बना हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये पूरा बिलिंग है, यहाँ पे कस्टमर का बिलिंग होता है, टोटली बिलिंग का प्रोसेस यहाँ से किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो है अंदर की साइड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बना हुआ है, जहाँ से ट्रांसपोर्ट के लिए पूरा गाइड किया जाता है, कौन से ट्रांसपोर्ट में जाएगा, कितने दिन में आप तक पहुँचेगा, क्या चार्जेस ट्रांसपोर्ट लेंगे, सारी गाइडेंस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आपको दी जाती है। नेक्स्ट जो है वो पूरा यहाँ पे डिस्पेस डिपार्टमेंट आ गया है। दोस्तों यहाँ से पूरा पैकिंग किया जाता है माल, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक कस्टमर का माल पूरा लाके रख दिया जाता है, उसका ऑर्डर फॉर्म साथ में लगा हुआ रहता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उसका कस्टमर का ऑर्डर फॉर्म लगा हुआ है, ऑर्डर फॉर्म पे नंबर रहता है, पार्सल पे भी साथ में नंबर लगा हुआ रहता है, जिससे कि क्या है, सेम जो कस्टमर ने माल लिया है वही उस तक पहुँचे, कोई भी आइटम चेंज होके नहीं जावे। जैसे आप देख पा रहे हैं पूरे पार्सल पैक किए हुए रखे हैं, ईच एंड पार्सल पूरा सेफ्टी के साथ पार्सल जाता है। आप हमारे यहाँ देखेंगे पार्सल के अंदर भी पूरी HM रोल पैकिंग रहती है, जिससे क्या बारिश में या ट्रांसपोर्टेशन में माल कहीं भी ख़राब नहीं होता। पैकिंग में आप देखेंगे थैली, जो पैकिंग थैली होती है वो पूरा एक्स्ट्रा पीसेज डालते हैं, जिससे क्या कस्टमर को आगे नीचे चेंज करनी हो किसी प्रोडक्ट में वो चेंज कर सकता है, जिससे प्रोडक्ट पूरा फिनिशिंग के साथ वहाँ
उनको दिखे। इस टाइप से पूरा पार्सल पैक होके जाता है, मार्का नंबर लगा हुआ रहता है पार्सल पे, कस्टमर का नाम रहता है, जिससे कि क्या प्रॉपर कस्टमर तक वो पार्सल पहुँचे। उसके बाद में ये पूरा सिलाई का प्रोसेस है, पूरा इस टाइप से पैकिंग होता है, सिलाई होता है, उसके बाद पट्टी लगती है पार्सल पे। तो एकदम व्यवस्थित पैकिंग हमारे यहाँ से जाती है, जिससे कि क्या कस्टमर को एकदम व्यवस्थित माल मिले। अब दोस्तों नेक्स्ट आपको मैं हमारा वेयर हाउस दिखाता हूँ, जहाँ पे सारा प्रोडक्ट रेडी होता है। जैसे मैंने बताया पूरा पार्सल के अंदर पन्नी वन्नी लग के पूरा पैक हो जाता है। उसके बाद ये जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा पट्टी लगती है, जिससे कि क्या पार्सल एकदम मजबूत हो जाता है, कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं होती है इसके साथ में। पूरा पैक होके एकदम व्यवस्थित जाता है, फिर ऐसे कस्टमर का मार्का किया जाता है। कस्टमर जिस नाम में बिलिंग लेती है उसी नाम से उसका यहाँ मार्का कर दिया जाता है, जिससे कि क्या ट्रांसपोर्टर में बहुत सारे पार्सल जाते हैं, उनको अलग करने का यही एक तरीका है। इस पर मार्का नंबर रहता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिल नंबर रहता है, दूसरा कस्टमर का नाम रहता है। सो इस टाइप से पूरा पैकिंग होके जाता है, एकदम व्यवस्थित पैकिंग के साथ में पूरा माल डिस्पैच होता है हमारे यहाँ से। अभी नेक्स्ट जो है आपको वेयर हाउस दिखाता हूँ, जहाँ पे फैक्ट्री से माल आके रेडी होता है पूरा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा फैक्ट्री से माल आया है, पूरा रेडी हो रहा है, ईच एंड एवरी पीस पूरा व्यवस्थित पैकिंग यहाँ से होके फिर डिस्प्ले में जाता है। पूरा माल रेडी होके रखा हुआ है यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ से पूरा एकदम रेडी होके फिर डिस्प्ले में पीस जाता है। उसके बाद हम लोग आप तक आपको दिखाते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। ऊपर भी इसके ऊपर भी पूरा वेयर हाउस बना हुआ है। ये जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा वेयर हाउस बना हुआ है यहाँ पे भी, यहाँ पे पूरी एडिटिंग की टीम बैठी हुई है। उसके बाद अंदर की साइड भी पूरा प्रोडक्ट रखा हुआ है, डिपार्टमेंट वाइज यहाँ प्रोडक्ट रहते हैं, जिस डिपार्टमेंट में जैसी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ से पूरा हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। पूरा हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रेडी होके यहाँ पे माल आता है पूरा, जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा यहाँ आके आने के बाद पूरा रेडी होता है। इसमें फ़ोटो वगैरह लगती है, स्टिकर वगैरह लगते हैं, मर्चेंट नंबर लगता है, पॉलीथीन लगती है। फैक्ट्री से आने के बाद पूरा यहाँ पे रेडी किया जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं सारे प्रोडक्ट इस टाइप से यहाँ रखे हुए हैं। सो दोस्तों जैसे मैंने आपको पूरा मेरी डिस्प्ले का, पैकिंग डिपार्टमेंट का, वेयर हाउस का पूरा टूर करवाया, तो दोस्तों यही रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आप यहाँ आइए, विजिट कीजिए, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है शेयर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ हर चीज़ के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव आपको गाइड करेंगे, आपको परचेज करना है, आपको सेल करना है, आपको किसी प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है, किस टाइप का फैब्रिक है, टोटली हमारे एग्जीक्यूटिव आपको हर चीज़ के लिए गाइड करेंगे। बात इन्वेस्टमेंट की, कपड़े का बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट का दो तरीका हो सकता है। सबसे पहला, अगर आप अपनी खुद की दुकान ओपन करना चाहते हैं या मॉल लगाना चाहते हैं तो उसके केस में इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। अगर मैं मॉल की बात करूँ, मिनी मॉल अगर आप लगाना चाहते हैं तो 15 लाख से 20 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट लगेगा। दूसरी बात, अगर आप दुकान ओपन करना चाहते हैं जो कम से कम 500 स्क्वायर फीट का दुकान अगर आप ओपन करने वाले हैं तो उस केस में आपको कम से कम 5 लाख से लेके और 10 लाख के बीच का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप इंटीरियर में कितना खर्चा करते हैं, किस प्रकार के आप कपड़े को रख रहे हैं, किस जगह पे आपका कपड़ा का वो दुकान है, जहाँ का रेंट कितना है, क्या उसका सिक्योरिटी है, ये सारा कुछ तय होता है, लेकिन लमसम में इतना आपको लग सकता है। वहीं इसका दूसरा तरीका है, कपड़े के बिजनेस को ऑनलाइन सेलिंग किया जाए। आज की डेट में ये ट्रेंडी है बिजनेस कपड़े को ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए आपका जो ओवरऑल बजट है, इन्वेस्टमेंट है, वो 50,000 से भी कम में हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इस काम को करने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या लोन भी मिलता है, तो जी बिल्कुल मिलता है। उसके लिए भारत सरकार की तरफ से आपको मिलेगा मुद्रा लोन। मुद्रा लोन के अंतर्गत आपको सरकार की तरफ से 10 लाख तक की लोन दी जाती है। दोस्तों लोन लेने का एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगर आपने ढंग का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक में जमा नहीं किया तो लोन आपका रिजेक्ट हो जाए। इसमें हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा आपके साथ खड़े हैं, हमेशा न्यू स्टार्टअप्स के साथ खड़े हैं। अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट पाना चाहते हैं तो इस दिए हुए वेबसाइट पर संपर्क कीजिए या इस ईमेल एड्रेस पर आप संपर्क कीजिए। कपड़े के बिजनेस से रिलेटेड ये पहला सीरीज था। आने वाले 4 ऐसे वीडियोज मैं बनाऊंगा जिसमें कपड़े के बिजनेस से रिलेटेड कुछ खास चीजें आपको जानने को मिलेगी। सो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के थ्रू मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Take care. Bye.